हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम बात करेंगे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की और मैं आज को 5 टिप्स दूंगा जिससे कि आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एक अलग ही लेवल पे जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली जो मेरी टिप है वो है आई कॉन्टैक्ट। जब भी हम किसी का फोटो खींच रहे हैं, चाहे वो एक प्रोफेशनल मॉडल हो या वो कोई एक दोस्त, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे कैमरे की तरफ ही देखें। कैमरे की तरफ देखना जनरली पोजिंग में आता है और हर बार आप नहीं चाहेंगे कि आप जिसका भी फोटो खींच रहे हैं वो पोज करें। बहुत बार पोज करने से फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कैंडिड फोटोग्राफी में जैसे कि हम सब जानते हैं, हम जिसका भी फ़ोटो खींच रहे हैं वो अपने नेचुरल एटीट्यूड में होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए हम किसी का फ़ोटो खींचने जा रहे हैं, वो बहुत हंसी खुशी हंस रहे हैं और अगर हमने उनको पोज करने को बोला तो वो एक अलग ही एक्सप्रेशन देंगे। वो कैमरे की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे और हम उनका जो फ़ोटो खींचेंगे वो एक तरीके से उनका असली फ़ोटो नहीं होगा, वो उनके एक्सप्रेशन सही से नहीं दिखाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप कैंडिड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत कम महसूस होने देना है कि आप उनका फ़ोटो खींच रहे हैं। और यहाँ तक कि जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोज़ भी खींच रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को बोलिए कि ज़रूरी नहीं है कि उनको कैमरा की तरफ ही देखना है, वो जैसे कम्फर्टेबल हैं, वो जहाँ देख रहे हैं उस तरफ वो देखते हुए बहुत अच्छा फोटोज़ दे सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जिससे कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप उनकी आँखें किस तरफ चाहते हैं, क्या वो कैमरे की तरफ देखते हुए होने चाहिए या कैमरे से दूर देखते हुए। तो यही आपके ऊपर एज अ फोटोग्राफर एक चैलेंज रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट का फ़ोटो किस तरीके से खींचना चाहते हैं। इससे आपके अलग अलग लुक आएंगे, अलग अलग इमोशन आएंगे, अलग अलग एक्सप्रेशन आएंगे। तो यही चीज़ कैप्चर करने के लिए आप ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। दूसरी जो मेरी टिप है जो आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत अच्छा करने में हेल्प करेगी वो है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको रूल ऑफ कंपोजिशन मानना ही मानना है। जैसे कि हम सब जानते हैं रूल ऑफ थर्ड्स कंपोजिशन का एक बहुत बेसिक रूल है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि आपको इसे फॉलो करना है। बहुत बार आपके पास ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि कोई वेडिंग फोटोग्राफी में या कोई एक लाइव इवेंट में, जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर खड़े हों या वो क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्रेमिंग के रूल्स को तोड़ना पड़ता है और आप जिस फोटो को ले रहे हैं वो एस्थेटिकली सही दिखना चाहिए, मतलब उसका पर्सपेक्टिव सही लगना चाहिए, चाहे उसका कंपोजिशन ठीक हो ना हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि हर बार हमें कंपोजिशन रूल नहीं तोड़ना है। बहुत बार क्रिएटिव होने के लिए हमें कंपोजिशन का रूल तोड़ सकते हैं, रूल से एकदम अलग जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कंपोजिशन के जो रूल्स हैं उसमें आप कभी गलत नहीं हो सकते। और अगर आपको फ़ोटो लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आप कंपोजिशन को मान के ही फोटो लीजिए। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपको फोटो को किस तरीके का फील देना है। तीसरी जो मेरी टिप है जो आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर देगी वो है लाइटिंग के साथ आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए। लाइटिंग जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी टाइप की फोटोग्राफी का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, वैसे ही पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में लाइटिंग कैसी है, अगर वो हार्श है या सॉफ्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। जनरली अगर आप कोई पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो आप एक ही लाइटिंग कंडीशन में सब पोर्ट्रेट्स मत खींचिए। आप लाइटिंग चेंज कर करके अपने सब्जेक्ट को सेम जगह पे रख के अलग अलग स्टाइल्स कॉपी करिए। लाइटिंग के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लाइटिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी बॉल का फ़ोटो एक ही जगह पर रख के कैमरा को भी एक ही जगह पर फिक्स करके उसके अलग अलग फ़ोटो लीजिए, लेकिन लाइटिंग चेंज करके। तो उससे आपको चीज़ों के ऊपर लाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो सीखने को मिलेगा और फोटोज़ में शेडो कब और कहाँ आती हैं वो भी आपको समझने में मदद मिलेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप समझ सकते हैं कि लाइट का किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए आप अलग अलग लाइट को यूज़ करके, हार्श लाइट को सॉफ्ट करके, लाइट का डायरेक्शन चेंज करके बहुत ही ड्रामेटिक पोर्ट्रेट खींच सकते हैं जो आपके बहुत बेहतरीन पोर्ट्रेट्स में से एक होंगे। चौथी जो मेरी टिप है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए वो है कि जब भी आप किसी का फ़ोटो खींचने वाले होंगे तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। अब फोटोग्राफी में बहुत बार ऐसे होता है जब भी हम किसी का फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो अगर हम उनको पोज करने को बोल रहे हैं तो वो एक ही टाइप का पोज बार बार करेंगे। और कभी कभार ऐसे होता है कि अगर हमने उनको बोला कि आप पोज मत करिए तो वो पोज नहीं करके एक ही जगह एक ही तरीके से खड़े होंगे। ये तभी होता है जब कोई अपने कम्फर्ट जोन में और बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी स्थिति है उसको संभालना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट को जिसका भी आप फोटो खींच रहे हैं उससे जाके बात करनी पड़ेगी, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत लोगों को कैमरा के सामने आने से डर लगता है, जिसको हम कैमरा फियर बोलते हैं। तो यही चीज़ आपको हटाना है। जब आपने ये चीज़ हटा ली तो आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आप देखिए
कि आपके जो फोटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आएंगे। पांचवी और आखिरी जो मेरी टिप है जो आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर देगी वो है, जब भी आप किसी का पोर्ट्रेट खींचें तो कोशिश करें कि आप कैंडिडली उनका पोर्ट्रेट खींचें। बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी हम किसी का फ़ोटो खींचने जा रहे हैं तो अगर वो पूरी तरीके से अपने खुशी के मूड में या कोई भी उनका मूड जो उस समय है उसमें है, और अगर आपने उनको बोला कि आप उनका फ़ोटो खींच रहे हैं तो अचानक से हो सकता है कि वो सीरियस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उनका वो एक्सप्रेशन में फ़ोटो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप कैंडिडली किसी का फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो बिना बताए थोड़ा दूरी से अगर आप उनका फ़ोटो खींचें तो आपको बहुत अच्छे फ़ोटो मिलेंगे, उसमें जो एक्सप्रेशन है वो आपको एकदम नेचुरल मिलेंगे और फ़ोटो भी बहुत बेहतरीन होंगे। तो यही थी मेरी 5 टिप्स जो आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कुछ आपको मदद देंगी। ऐसी और भी बहुत सारी टिप्स हैं जिसके बारे में मैं अपने आगे की वीडियोस में आपसे बात करूँगा। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं उसे जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।